हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे यहाँ फिश करी बनने जा रहा है, बिल्कुल ही बिहारी स्टाइल। क्योंकि आज हम लोग बहुत दिनों के बाद बना रहे हैं, क्योंकि मेरे घर का गृह प्रवेश हुआ था, जो 1 साल बाद उसका पूरा हुआ है। तो हम लोगों ने सोच रखा था कि 1 साल बाद ही हम लोग बनाएंगे, तो आज सब लोग बहुत एक्साइटेड है। तो ये मैं मैरिनेट करके पहले से रख चुकी हूँ, जो फिश का मसाला होता है, सरसों, लहसुन, सूखी लाल मिर्च, धनिया, जीरा और 5 से 6 गोल मिर्च को मैं पीस कर मसाला तैयार की हूँ। और आप चाहे तो सिंपल पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये मैं फ्राई कर देती हूँ, लगभग 10 मिनट पहले ही मैं मैरिनेट की थी। और कुछ मसाला मैं अलग रख दी हूँ ग्रेवी के लिए, सेम मसाला है। और इसमें मैं नमक भी ऐड की हूँ। और इस तरह से सारे पीसेज को मैं फ्राई कर दूंगी। कढ़ाई काफ़ी ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, दूर से वीडियो लिया गया है इस वजह से। उसमें मैं फ़ौरन ऐड कर चुकी थी, जैसे ही मैं फिश फ्राई करके बाहर निकाली, जीरा, तेज पत्ता, मैं स्टार्टिंग में ही भी आप लोग को दिखाई हूँ, और थोड़ी सी छोटी सी एक प्याज कट करके मैं उसका फ़ौरन लगाई थी। इसके बाद मैं मसाला डाली हूँ। मसाला डालने के बाद मैं 2 बड़ा प्याज ऐड की हूँ। अब इस मसाले को लगभग मैं 10 से 15 मिनट तक पूरी अच्छी तरह से, जब तक कच्चापन गायब ना हो जाए, मैं इसे भूनूंगी, फ्राई करूंगी। और ये मैं नमक भी पहले से 2 चम्मच निकाल रखी थी, तो उसको भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। और इसको मैं लगभग 10 मिनट तक भूनते रहूँगी। जब अच्छी तरह से भुन जाएगी तो इसमें मैं पानी मिक्स कर दूँगी, जितना अंदाज हो, पतला अगर ग्रेवी खाना है तो पतला। और ये मैं पानी ऐड कर चुकी हूँ, और ये लगभग 10 मिनट तक ये भी बॉयल होगा, खोलेगा, पकेगा। इसमें मैं मछली भी ऐड कर दी, और इसे मैं बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक सिर्फ रखूँगी, पकाऊँगी, बॉयल करूँगी ग्रेवी के साथ। उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। और आप ऊपर से धनिया पत्ता कट करके ऐड कर लीजिएगा। और ये हमारा बिहारी फिश करी बनकर रेडी है। आप सर्व कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो